आपने एक पोल लिया था कि आपने ये आफ्टर यूटर्न की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं हम सब, वो हम क्यों कर रहे हैं, फिर अल्टीमेटली यही मालूम पड़ा कि हम लोगों को जो 32nd अध्याय है उत्तराधिरण सूत्र का, इट इज अबाउट सेटिंग द गोल एंड द बिगेस्ट गोल ऑफ आवर लाइफ इज कर्मों का सर्वंश नाश, क्योंकि अपन सब एक कार्मिक बैगेज से ही आए हैं. और वही चीज अब रिफ्लेक्ट हो रही है जब आपने ये 4 points आज आपने 4 संज्ञा डिस्कस किए और चारों संज्ञाओं में एक पॉइंट आता है, जैसे आहार में आया था शुद्धा वैद्य कर्म, और फिर सेकंड में आया था वेद मोहनीय कर्म, और फोर्थ में परिग्रह में लोभ मोहनीय कर्म. तो ये जो आपने पॉइंट्स दिए थे चारों संज्ञाओं में, this is a little bit out of our control because we are born with it. Beech to hamare andar hai. So, isliye everybody has to work towards reducing the karam. And aapne bahut elaborate karke bata diya in char sanghyaon ko. So, hamare paas aage tarike mil gaye. Kaise hum ye jo cheeze hum samjhe aaj, unme kaise hum apne karmic build up ko kam se kam rakhe. और यही नहीं, फिर आपने दो बहुत अच्छे सेंटेंसेस बताए, भोग की प्रवृत्ति इज लेस हार्मफुल देन भोग की स्मृति. तो इट्स नॉट इनफ कि वो हमने सीख लिया, हम बस उसके बारे में सोचते जाते हैं इन संज्ञाओं के बारे में, तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा और वो जुड़े जा रहे हैं. एंड आपने दो और अच्छे बहुत शब्द बताए, निमित्त और उपादान. सो सच अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट कि एक तो है पोटेंशियल और एक है मींस, यू नो. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑल द नॉलेज दैट आवर शास्त्र एंड आवर आगम्स हैव. बहुत अच्छी आपने कहानियां सुनाई जिनसे, और जो इम्पोर्टेंट नेम्स आते हैं मुनि कुर गुरु और श्रीनिक राजा के बेटे नंदीशयन, क्या नाम था उनका, नंदीशयन मुनि, हाँ नंदीशयन जी, नंदीशयन. तो इम्पोर्टेंट इनके एग्जांपल्स आई थिंक आप रिपीट करते हो क्योंकि दे अप्लाई इन मेनी एरियाज, सो इट्स गुड दे आर आल्सो गेटिंग यू नो क्रिस्टलाइज्ड इन आवर मेमोरी. अब आप जो आपने मैथुन संज्ञा के बारे में बताया था, उसमें आपने बताया था कि वीर्य को 40 डेज का जो भोजन होता है, इट्स लॉस्ट इन वन एक्टिविटी, राइट? सो आई डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू बी मेजर्ड इन कैलोरीज और जूल्स, और यू आल्सो मेंशनड अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड प्राण ऊर्जा, उसके लिए कोई इंग्लिश इक्विवेलेंट आई डोंट नो, लेकिन वी मस्ट नॉट इक्वेट इट विद कैलोरीज एंड जूल्स आई थिंक, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी आर लर्निंग दिस वोकैबुलरी, दिस वेरी इंपॉर्टेंट जैन वोकैबुलरी, और इनकी मीनिंग्स इतनी बार बार सुन सुन के मतलब ऐसे लग रहा है कि खुद भी पढ़ूंगी तो समझ में आने लगेगा. और कैलोरीज भी दे देंगे आपने, उसकी अभी अभी आपको एग्जैक्ट फिगर्स भी दे देंगे कि 40 डेज में कितना खाने की क्या एनर्जी होती है. अभी नमन वो एग्जैक्ट फिगर्स उसको याद रहते हैं, मैं बड़ा कच्चा हूँ इन चीजों में, तो बता देगा आपको एग्जैक्ट फिगर्स के साथ बताएगा. तो अभी वो अभी हम उसको अनम्यूट करते हैं और आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम नमन के पास जाते हैं, उसके वो बता भी देगा एग्जैक्ट. हाँ, और आपने जैसे 10 संज्ञाएं तो 4 तो आज एक्सप्लेन करी थी, बाकी 6 के नाम तो हमें पता ही है, तो हम सब अब उनपे थोड़ा सा सोचना चालू कर सकते हैं. सो जब नेक्स्ट मीटिंग होगी, नेक्स्ट सेशन में, आवर माइंड्स विल बी मोर रिसेप्टिव. थोड़ा सा आप पहले से ही प्रिपेयर करके आते हो कि क्या सुनने वाले हो, तो उनको क्वेश्चंस होंगे और फिर क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप बहुत अच्छी क्लैरिटी देते हैं. आप बहुत जेनरस हैं कि जो जो रेज हैंड्स होते हैं, यू हैव एब्सोल्यूट पेशेंस टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस generosity of yours. So abhar, thank you, and jai jane. Jai jane. Thank you very much, Ikali. Wonderful explanation. Generosity to gurudevo ki hai, anant kripa hai siddho ki aur aryan bhagwan ki, jinhone hume
ये गंडरों ने हमें ये सूत्र में धार के ऐसी जिनवाणी हमें आज उपलब्ध करवाई है जिसको हम पढ़ सकते हैं। अगर वो उनकी करुणा नहीं होती तो शायद हमें आज ये चीजें मिलती भी नहीं। तो उनका करुणा है, उनकी जेनरोसिटी है, तो वहां से आई है। तो अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं वन बाय वन। जिनके भी क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। So, सबसे पहले है नरपत जी चोपड़ा का क्वेश्चन। उनका क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी कंट्रोल आवर माइंड, कॉन्सेंट्रेट प्रॉपर्ली, आध्यात्मिक की ओर मन कदम क्यों नहीं बढ़ता? मन कहता है कर पर वापस मन नहीं करना चाहता, ऐसा क्यों होता है? नरपत जी आप हैं हमारे साथ, तो आप एक बार रेज हैंड कर लीजिए तो हमको इजी रहेगा ढूंढने में। आई गेस है नहीं, तो ये क्वेश्चन फिर नरपत जी आप अगर रेज हैंड करेंगे तो हम देख नहीं पा रहे हैं आप कहाँ हैं, या और जो को होस्ट है वो भी अनम्यूट कर सकते हैं किसी और को। ये है तो सही, उन्होंने रिप्लाई किया। Can hear you, hands up hai. Or वैसे भी I guess controlling, like you said, you are gonna take in tomorrow's session. So controlling, नरपत जी पूरा session controlling और mind का कल आने वाला है, पूरा specific. आज भी जो हमने reasons, अभी जो आज संज्ञा का discussion जो हुआ है, ये reasons को भी आप avoid करना शुरू कर देंगे तो आपका मन control में आ जाएगा। आप देखेंगे कि अगर जब आप चिंतन नहीं करेंगे, आप वो food का product आपके सामने नहीं आता, आप ऐसी बातें नहीं करेंगे, आप ऐसी चीजें सामने नहीं रखेंगे, तो आपका मन यावा नहीं भटकेगा। आप हमेशा ये ना धर्म की किताबें साथ में रखें तो आप देखेंगे ये निमित्त मिलते ही, ये धर्म का निमित्त करते ही आपका धर्म मन करेगा कि धर्म की चीजें करूं। तो टर्निंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नकारात्मक चीजों से आप सकारात्मक चीजों को अपना निमित्त बनाए, उससे भी आपको बड़ा कंट्रोलिंग में फायदा मिलेगा। कंट्रोलिंग मुझे करनी क्या है, मुझे नेगेटिव से पॉजिटिव में लगाना है उसको, यही मेरा कंट्रोल है। क्योंकि ये चुप तो होने नहीं वाला है, पहले भी हमने डिस्कशन कर लिया है, शांत तो नहीं होगा, तो इसको फॉर्डर तो देना पड़ेगा। अब फॉर्डर मुझे क्या देना है, मुझे अच्छे चीजों का देना है, मेरे को सकारात्मक चीजों का, तो वो हम कल डिटेल में और डिस्कशन भी करने वाले हैं, तो आपको एक एक पॉइंट्स और डिटेल में मिल जाएंगे कि मन को कैसे वश में कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, वैसे आपको कुछ बोलना हो, एड ऑन करना तो आप बोल सकते हैं। फिर निशा जी का रेज हैंड था, तो मैं निशा जी आपको अनम्यूट कर दूं। जय जिनेंद्र। मुझे एक तो पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था पानी से रिलेटेड, कि जो बॉडी के अंदर का वाटर होता है दैट इज सचेत और अचेत, तो उसका कुछ हुआ? वो प्रोसेस में है। वो प्रोसेस में है, और वैसे भी मैं इसमें क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि मेरे को मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है, इवन इफ वी गेट टू नो द मेन एसेंस इज कि पानी इन्फ्लुएंस होता है। सेकेंड, अगर पानी चाहे अंदर का जीवित हो या अजीवित हो, लिविंग हो या अनलिविंग हो, उसके लिए एक और पर्टिकुलर साइंस आपके सामने, सब लोगों के सामने बताना चाहूंगा। आपने ये चीज देखी होगी पानी में, क्या बोला था कि हम पानी को दे रहे हैं तो वो इन्फ्लुएंस गारंटी होता है, वो प्रूफ है। अगर मान लो हमने उसको कोई प्रोसेस से किल भी कर दिया, फॉर एग्जाम्पल जो हम गर्म पानी या धोवन पानी से करते हैं, पर जैसा हर चीज में पाया जाता है, पहले वो पानी जिन चीजों से एक्सपोज हो चुका है उसकी मेमोरी तो वो कैरी करता ही है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई व्यक्ति है, वो जहर से मर गया है, राइट? तो अगर उसकी डेथ हो गई है और उसके बाद साइंस कहती है कि वो जो केमिकल है, जहर एक टाइप का केमिकल है, दैट केमिकल स्टिल रिमेन्स इन द बॉडी फॉर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन वो किस टाइप का जहर था। तो अगर कोई उस समय में आपको बोले कि इसका मान लो जो एक बॉडी का पार्ट है वो निकाल के अगर हमें कंज्यूम करना है तो हम उसके लिए मना करेंगे, बिकॉज वी नो दैट बॉडी इज इन्फेक्टेड विद जहर। सिमिलरली पानी का होता है, चाहे वो जीवित हो या मृत हो, पर उसके पहले जो उसका एक्सपोजर हुआ है उसकी मेमोरी वो कैरी करता है। तो भले ही जो हम पानी कंज्यूम कर रहा है वो लिविंग है या डेड है, पर इतने टाइम से वो जब तक उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया गया था उसकी मेमोरी उसके पास रहती ही है, तो उसका इफेक्ट हमारे पे आता है। और यही साइंस है जो मैंने उस सेशन में बताया था गंगा जल का, गंगा जल या जो तीर्थ कुंड है, इनकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि सदियों से वो पानी को धर्म का एक्सपोजर मिला है, जो हमने साउंड में देखा था अच्छी वाइब्रेशंस का एक्सपोजर मिला है,
वो पानी उस मेमोरी को कैरी करता ही है, तो इसलिए उसके कंजम्पशन में भले ही वो न्यूट्रलाइज हो जाए, पास्ट मेमोरी कैरी कर रहा है तो वो आपको इम्पैक्ट देता है। तो फिर उसको अपन बेटर कैसे, आप बोल रहे हैं कि पास्ट मेमोरी उसमें रहती है, तो अपन कुछ सेकंड्स बोल के उसकी मेमोरी को चेंज कैसे कर सकते हैं, या अचित हो गया तो उसको मेमोरी दे ही नहीं? नहीं, अचित हो गया तो नहीं दे सकते ऑब्वियसली, पर पहले जब वो लिविंग था और वो जो एक्सपोज हो चुका है उससे देते हैं। हम अचित इसलिए करते हैं ताकि जो पास्ट मेमोरी है बस उतनी ही रह जाए, और जब हम खुद मंत्र जाप कर रहे हैं, मेरा जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है, अभी मैंने साउंड में वाइब्रेशंस की बताई थी और आगे ब्रेन और हार्ट की आने वाली है, वो वाइब्रेशंस कैसे इंपैक्ट डालती है। इट्स नॉट ओनली वाटर, यू शुड अंडरस्टैंड वाटर इज जस्ट अ मीडियम, ये सिर्फ एक साधन है, ये कॉज नहीं है। देयर इज समथिंग नोन एज अ कॉज एंड एन इफेक्ट, जो कॉजल रिलेशनशिप बोलते हैं, ये कॉज इफेक्ट लाने के लिए एक मीडियम यूज करता है। पानी मात्र एक मीडियम है, मेन खेल तो सब विचारों का है, सब भावों का है, और वो भाव कैसे आ रहे हैं वो निपुण ने जैसे लिया है, आर संज्ञा हो गई, भय संज्ञा हो गई, दीज आर इंस्टिंक्ट्स, दीज आर फ्यूल, दीज आर दी थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस यू। नमन, आज के सेशन से अगर अपन देखें तो एक होता है निमित्त और एक होता है उपादान। एग्जैक्टली उपादान जो था ना निशा जी, वो उपादान तो मेरे जो भाव होंगे, मेरे जो इमोशंस होंगे, जो मेरी इंटेंसिटी होगी उसको पीने, जैसे मेरे अमृत अमृत अमृत, अब मैं एक्चुअल में वो भावों से कर रहा हूँ, वो तो मेरा उपादान हो गया। और पानी तो एक निमित्त हो गया, निमित्त है, इट इज जस्ट अ मीडियम। अरे हमने देखे लोगों को, हमारे एक साधक है नरेंद्र जी सुराना, हमने उनको देखा कि वो है ना लोगों का बुखार ठीक कर देते हैं। अब वो क्या कहते हैं, बुखार ठीक करने के लिए वो क्या करते हैं, वो केवल एक झाड़ू लेते हैं, झाड़ू है ना, वो बाबा लेते ना झाड़ू, तो झाड़ू पे मंत्र का उच्चारण करते हुए वो बुखार वाले व्यक्ति पे डाल देते हैं, वो मंगल मैत्री करते हैं और वो झाड़ू पे डालते हैं उनको। तो कोई वो बोले मेरे को कोई चीज नहीं मिल रही थी तो मैंने एक दिन झाड़ू उठा दी कि अब इनको क्या करूं मैं ठीक। तो झाड़ू को मंत्रित करते हुए उन्होंने क्या कर दिया, वो इंसान को ठीक कर दिया। तो क्या झाड़ू ने ठीक किया, क्या क्या पानी ने ठीक किया, क्या नहीं, उनने ठीक नहीं किया, वो अंदर की जो विशुद्ध भावना थी, वो जो उपादान अंदर था उसने ठीक किया। तो ये तो निमित्त है, बाकी सब चीजें जो हम ब्रेन में लेंगे भी प्लसीवो इफेक्ट आता है, जो हम हमारे हर कैंप में लेते हैं, दी प्लसीवो इंपैक्ट, जो निपुण ने भी शायद बीच में बताया होगा, इसकी और साइंस के लिए रुके, हम संडे आ रहे हैं इस सेशन के साथ। ठीक है, एक चीज और पूछनी थी, कल अपन डिस्कस कर रहे थे निगोद का जीव, तो वो कोई भी इंद्रिय नहीं होती क्या उसमें? निगोद में कोई भी इंद्रिय नहीं होती क्या? इंद्रिय नहीं होगी, एक इंद्रिय होती है, दैट इज स्पर्श इंद्रिय, that is the शरीर only, उसके अंदर सिर्फ वो टच सेंसेशन को फील कर सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं होता। हेलो, थैंक यू, आभार। बढ़िया आवाज बोल लो आप। नेक्स्ट है हमारे साथ रश्मि जी मोदी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। हेलो, जय जिनेंद्र। हाँ जी, हम दैनिक दिनचर्या में चाहते हुए भी मतलब बहुत से काम ऐसे होते हैं जो हमको करने पड़ते हैं, तो उसके लिए तो नहीं हो सकता ना, जैसे पानी बहुत सारा नहीं चाहते हैं कि डोले पर फैलाएं, पर फिर भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पानी से होते हैं, बहुत सारे काम ऐसे जो नहीं चाहते हुए भी करना पड़ता है फैमिली के लिए, तो फिर उसके लिए तो पाप मतलब नहीं चाहते हुए भी पाप हो रहे हैं ना, जैसे हम नहीं चाहते, जानते हैं मन में कि इससे पाप होता है, पर फिर भी फैमिली के लिए तो करना ही पड़ेगा ना जी। तो उससे कैसे बचे? ये सेम डाउट हमारे पास पहले भी आया था, खुशबू दीदी ने पूछा था कि न चाहते हुए भी हमें करना पड़ता है, तो तब भी ये सेम आंसर दिया गया था कि हमारे धर्म में लिखा हुआ है अगर आप गृहस्थ में हो, अगर आप साधु नहीं बने हो, आप गृहस्थ में हो, तो गृहस्थ भी एक टाइप का धर्म बनता है, गृहस्थ ही धर्म है वो, गृहस्थ ही धर्म के कारण आपको कर्तव्य रूप में अगर कोई काम करना पड़े तो उसकी अनुमति दी जाती है, पर वो छूट नहीं दी जाती है कि आप अनकॉन्शियसली करें। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं थी, हम पानी को बेफिजूल वेस्ट कर रहे थे, हम आर को कैसे भी खा रहे थे, हम जैसे आज डिस्कस किया भय संज्ञा को यूज कर रहे थे, मैथुन संज्ञा को यूज कर रहे थे, परिग्रह को यूज कर रहे थे। अब जब हमें ज्ञान आ गया है, यही सब चीजें कॉन्शियसली करें, जितना हो सकता है कम से कम करने की कोशिश करें। हम ये नहीं बोल रहे कर्तव्य को बंद कर दीजिए, कर्तव्य का निर्वहन करना है पर जागृति पूर्वक करना है, यू शुड डू इट विद रिन्यूड अवेयरनेस। पूरा धर्म उसका ये जागृति और विवेक से वो काम करना चालू करें। अब पानी का मालूम पड़ गया है तो जैसे हमारे घर पे होता है कि अगर पानी वेस्ट हो रहा है तो हम पानी को इकट्ठा करते हैं, एक्वागार्ड आरओ है वो भी पानी की बूंदों को छोड़ता है, तो हम उसको भगोने में इकट्ठा करते हैं,
वही पानी को हम लोग वापिस से यूज कर लेते हैं पोछे में या बर्तन धोने में या और कोई कार्य में। ये जागृति धीरे धीरे बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आप सोल्यूशन सोचने लगेंगे। रश्मि जी आपका डाउट सॉल्व हो गया आई होप। हाँ थैंक यू। और कोई डाउट किसी के हैं तो रेज हैंड कर सकते हैं या चैट पे लिख सकते हैं। चैट में एक और आया था सेलिब्रिटी का, राहुल जी ने बोला था सेलिब्रिटी को एक्सप्लेन किया जाए और उसके स्टैटिस्टिक्स भी दे दो। राहुल जी क्या हमारे साथ स्टैटिस्टिक्स भी दे दे लोगों को जिनको नोट करना है जो कैलोरीज की बात चल रही थी। हाँ कैलोरीज की। तो सेलिब्रिटी का एक और क्वेश्चन भी ये था कि पुरुष में ज्यादा मैथुन संज्ञा है कि स्त्री में ज्यादा है। जैनिज्म के पर्सपेक्टिव से मैंने इसमें स्टडी नहीं किया है तो जैनिज्म का रेफरेंस मैं बाद में दे सकता हूँ एक रिसर्च करके। बट आई नो दी वैदिक रेफरेंस हिंदू माइथोलॉजी है। हिंदू माइथोलॉजी में ये एक शॉकिंग रिविलेशन है कि बताया जाता है कि स्त्री में जो वासना है वो पुरुष के कंपेरिजन में ज्यादा होती है। तो स्त्री के लिए वहां पे एक फेमस कोट आता है, अगर आपने चाणक्य की सेइंग देखी होगी तो चाणक्य ये बोलता है कि स्त्री में पुरुष से 2 गुना ज्यादा भूख होती है, 4 गुना ज्यादा लज्जा होती है और 8 गुना ज्यादा कामुकता होती है। ये स्त्री का है, ये हिंदू परंपरा में माना जाता है। जैनिज्म का क्या पर्सपेक्टिव है वो हम लोग बाद में शेयर कर देंगे। और सेकेंड जो पॉइंट है सेलिब्रेसी का जो स्टैटिस्टिक्स है, तो जो हमने वीर्य का बोला था वीर्य सब जानते हैं कि वीर्य की शक्ति है, इसलिए इंपॉर्टेंस दिया गया है ब्रह्मचर्य पे क्योंकि वीर्य ही वो चीज है जो आप में ओज डेवलप करता है और आपको आपकी साधना के लिए उत्तरोत्तर बहुत अच्छे से हेल्प करता है। उसके लिए साइंस ये कहती है कि 32 किलो खाना यानी इफ यू कंज्यूम 32 kgs ऑफ फूड तो 20 ग्राम वीर्य उत्पन्न होता है और ऑन एन एवरेज 1% ईच 800 ग्राम फूड्स इन अ डे, ये एवरेज कंजम्पशन है। तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से टोटल 40 दिन में आपका 20 ग्राम वीर्य उत्पन्न होता है, ये शरीर की कैपेसिटी है। इन 40 डेज यू कैन मैन्युफैक्चर 20 ग्राम्स ऑफ वीर्य। अब साइंस ने ये देखा इसको ही आप अगर मंथली एवरेज में निकाल दे, अगर 40 दिन में 20 ग्राम है तो 30 दिन यानी एक महीने में 15 ग्राम हो जाता है, यानी हमारी बॉडी एक महीने में 15 ग्राम वीर्य उत्पन्न करती है। और साइंस बोलती है सिर्फ एक बार की संभोग, सिर्फ एक बार की सेक्सुअल एक्टिविटी में आपका 15 ग्राम वीर्य सीक्रेट हो जाता है, यानी आप उसको वेस्ट कर देते हैं। तो जिस वीर्य को बॉडी को बनाने में एक महीना लग रहा है वो सिर्फ एक बार की एक्टिविटी में नष्ट हो रहा है। और ऐसे नष्ट होता है तो हमें ऐसा कुछ नहीं लगता है कि चलो हम लोग यूरिनेट भी कर रहे हैं या हम लोग फीसिस भी निकाल रहे हैं, बट दैट इज अ नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट टू योर बॉडी। पर वीर्य की हमारे यहाँ शास्त्रों में इतनी इंपॉर्टेंस बताई कि ये वीर्य इट्स नॉट टू बी सीक्रेटेड आउट, इट इज टू बी कंजर्व्ड इन योर बॉडी। इसको जितना ज्यादा हो सके इसको अपने अंदर बना के रखे। जैसे राहुल जी ने भी सेंटेंस में लिखा था, जो ऑनलाइन जो मूवमेंट चल रही है बहुत बड़ी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में भी चल रही है, एक मूवमेंट है नो फैट। तो जिसको भी इंटरेस्ट है वो ऑनलाइन खुद रिसर्च कर सकते हैं। हम क्योंकि क्राउड है हम उसमें ये थोड़ा एक संकोच वाला टॉपिक होता है शेयर करने के लिए, तो जिसको इसमें ज्यादा डिटेल में रुचि है वो हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सब बड़े छोटे सब होते हैं। पर हमने शॉर्ट में ये बता दिया कि वीर्य की बहुत इंपॉर्टेंस है, सिर्फ एक बार के संभोग में 15 ग्राम नष्ट हो रहा है और बॉडी को एक महीना लगता है बनाने में, तो आप सोच सकते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, आई होप सब स्टैटिस्टिक्स नमन ने आपको दे दिए हैं। एंड एनी अदर डाउट और एनी अदर क्वेश्चन जो किसी का रह चुका है, आई होप सबका हो चुका है। सो अपन कल तक के लिए आज का ये सेशन समाप्त करते हैं एंड मंगल करते हैं। सो टिल देन फिर राहुल जी ने रेज हैंड कर दिया। ओके राहुल जी, जय जिनेन्द्र। जैसे कि आपने कहा था निमित सदैव निर्दोष है, पर एक्चुअली क्या होता है प्रैक्टिकली, मतलब निमित्तों की असर बहुत जल्दी होती है, तो वो कैसे, मतलब उससे कैसे बचा जाए? शुभ निमित्तों की असर जल्दी होती है और शुभ निमित्तों की असर नहीं होती है,
मतलब थोड़ा लेट होता है, तो अशुभ निमित्तों से कैसे बचा जाए उसके बारे में थोड़ा। सबसे पहले तो राहुल जी ट्राई करें कि अशुभ निमित्त, मतलब निमित्त निर्दोष लगता नहीं उसके असर, जैसे किसी ने गुस्सा दिलाया तो हम बोलेंगे कि सामने वाला गुस्सा दिला रहा है, मैं वैसा है, मतलब बिल्कुल। तो ये अगेन यही सदना है हमें, इसमें हमें एक दिन में नहीं होने वाला, ये प्रैक्टिस इसमें लगेगी। तो वो टाइम ऐसे कोई इंस्टेंस आएंगे तब हमें इसके बारे में ये जागृत, इसलिए हम बार बार ये वर्ड को मैंने शायद कम से कम 3-4 बार सेशन में ऑलरेडी ले चुका हूँ, निमित्त सदैव निर्दोष है। तो मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको कल बताऊंगा इसका लॉजिक, कि मैं बार बार इसका क्यों बोल रहा हूँ। ये बार बार करने से भी मेरा मन नियंत्रण में होता है, ठीक है। तो ये भी एक टेक्निक है टू कंट्रोल योर माइंड। तो अगेन देर आर वेरियस टेक्निक्स, बट जब ऐसा ओकेजन, सो जितनी बार आप ये वाणी सुनते हैं, जितनी बार अपन ये ऐसे सेशंस करते हैं या फिर सत्संग करते हैं अपन, तब हमें रियलाइज होता है कि यार ये मैं क्यों किसी को दोष दे रहा हूँ, ये सब मेरे ही तो कर्म है। तो ये जितनी मेरी डीप रूटेड सिस्टम में आ जाएगा उतना आप देखेंगे कि मैं वो टाइम मेरी जागृति, सो पॉइंट इज कि वो चीज तो होने वाली है, सामने वाला आप पे क्रोध करने वाला है। ऐसा तो कोई इंसान होगा नहीं जिसकी निंदा नहीं होती हो, ठीक है, जिसपे कोई क्रोध नहीं होता हो। ऐसा हम जितने भी यहाँ पे लोग हैं सबके साथ ऐसा होता है। अब होने तो सबके पास वाला है, कर्मों का उदय का स्टॉक भी है तो अवश्य उदय में आएगा, पर मैं क्या कर सकता हूँ एज अ व्यक्ति, मुझे एज अ साधक करना है मेरी जागृति के क्षण बढ़ाने, मुझे अवेयरनेस को बढ़ाना। तो बस वो टाइम अवेयर हो जाए, तो वो टाइम कोई सिस्टम इन प्लेस करें कि समझो कोई नेक्स्ट टाइम मुझे कोई गुस्सा दिलाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल हो सकता है, आज मैं आपको छोटा सा बता दूं, अगर आज किसी ने मुझे गुस्सा दिलाया, नेक्स्ट टाइम है ना मुझे मालूम है कि मैं ना इसके साथ बात करता हूँ ना तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि मेरे को गुस्सा आता है ना। ऐसे बहुत व्यक्ति आपको पहले से मालूम होता है, इसके साथ बात करते मेरे मालूम है कि कुछ ना कुछ हो सकता है पंगा। तो उनके के लिए क्या करो आप, पहले ही आप क्या एक सिस्टम सेट करके जाओ, एक कोई ऐसी चीज, जैसे कोई आपके साथ समझो ये पेन आपके पास हमेशा पॉकेट में रहता हो, सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये पेन को हाथ लगाते ही आपके दिमाग में वापस याद आ जाए, अरे निमित्त सदैव निर्दोष है। ये आपने क्या कर दिया, एक सिस्टम इन प्लेस कर दिया खुद के लिए, खुद की जागृति के लिए। मेरे हाथ में केवल है वो अवेयरनेस को बढ़ाना, केवल वो जागृति को बढ़ाना, बाकी मैं लाइक एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती है। हाँ, एक्सेप्टेंस को लाने के लिए बस जागृति बढ़ाओगे धीरे धीरे, वो प्रैक्टिस करोगे आप कि एक्सेप्टेंस को एक सिस्टम इन प्लेस डालो। फिर भी वो नहीं होगा तो उसके लिए मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। कभी कभी होता है अरे ये एक्सेप्टेंस कुछ नहीं, पेन वेन कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है, तब तो हमारा दिमाग थोड़ा, जब क्रोध आता है तो हम मालूम है हम एकदम बेबान हो जाते हैं, तो वो टाइम क्या करना उसको मैं आपको कल बताऊंगा उसके सूत्र कि वो क्या क्या होने वाले, उसके पूरे पॉइंटर्स में आपको कल, ठीक है। इसके अलावा राहुल जी कुछ नहीं, थैंक यू। ओके, सो आई होप बाकी सबके डाउट्स हो चुके हैं। तो टिल देन, टिल टुमारो, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, और सभी को शास्त्र के विपरीत या कुछ अवेलना हुई है, कुछ अशातना हुई है तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा याचना, और सभी का बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.